जय श्री सीताराम। बुध महाराज अपनी शत्रु राशि कर्क राशि, जो चंद्र देवता की राशि है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और 8 जुलाई 2023 को बुध देवता कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 जुलाई तक बुध महाराज ने कर्क राशि में ही रहना है। फिर 24 जुलाई को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। 8 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक का ये वक्त, ये समय आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, बुध देवता के राशि परिवर्तन के आधार पर आप सभी का क्या हाल होने वाला है, क्या राशिफल होने वाला है, क्या भविष्यफल होने वाला है, बुध देवता किसके लिए क्या गति करेंगे, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं और विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो, जब भी कोई राशिफल देखता है ना या बताता है तो इस प्रकार से बताते हैं, अरे भैया ये ग्रह जो है वो शत्रु राशि में जा रहे हैं तो बुरा हो जाएगा, ये ग्रह मित्र राशि में जा रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं कि कोई ग्रह नीच का हो रहा है शत्रु राशि में जा रहा है तो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ये कुंडली के आधार पर देखा जाता है। हो सकता है कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो लेकिन वो उस कुंडली का लग्नेश हो और वो शत्रु राशि जो है वो किसी अच्छे भाव में बन रही हो, तो जरूरी नहीं कि बहुत खराब फल मिलेगा। हो सकता है कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो, नीच भंग राजयोग बन जाए, कोई ग्रह हो सकता है अपनी मित्र राशि में बैठा हो लेकिन उस कुंडली का मारक ग्रह हो, तो ये भी चीजें हो सकती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ शत्रु राशि मित्र राशि में बैठे हैं और उसी से आप ये समझ जाएं, या शत्रु राशि मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं उसी से आप ये समझ जाएं कि भाई क्या होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ और बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाइए मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है। लेकिन एक बात आप जरूर से ध्यान रखिए, मैं ये तो हर राशिफल के वीडियो में आप सभी से कहता हूँ कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, पहली बात है। दूसरी बात ये कि सबसे खास बात ये कि आप जब भी राशिफल देखते हैं तो इस भावना के साथ देखिए, इस बात को सोच समझ कर देखिए कि ये कई सारे लोगों के लिए है, हजारों लाखों लोगों के लिए है ना। आपके बारे में, खुद के बारे में एग्जैक्टली क्या है, तो आपके खुद के बारे में जो एग्जैक्ट है वो है आपकी कुंडली, आपकी पर्सनल कुंडली। आपकी पर्सनल कुंडली के जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, जो गोचर हैं या जो भी चीजें आपके साथ बन रही है, ये बहुत सारी चीजें होती है उसमें, सूक्ष्म कुंडलियां होती है, कुछ अच्छे या बुरे योग होते हैं, वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होते हैं। लेकिन ये जो राशिफल है चूंकि कई सारे लोगों के लिए है तो ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हालांकि बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आप सभी कहते हैं कि मेरे जो भी राशिफल है, चाहे दैनिक राशिफल हो, वार्षिक साप्ताहिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, ये सभी आपके ऊपर सटीक बैठते हैं, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपनी जो मेहनत है, जो मैं इतनी कड़ी मेहनत आपके लिए करता हूँ, ये सफल हुई ऐसा लगता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़े और मेष राशि जो आपकी है उस राशि के आधार पर बात करते हैं। मेष राशि वालों, एक बात का ध्यान रखिएगा, मेष राशि वालों, बुध महाराज शत्रु राशि में जा रहे हैं, क्योंकि बुध भी शत्रु राशि में जा रहे हैं और मेष राशि के लिए भी बुध कोई मित्र ग्रह नहीं है, तो आपके लिए तो ये समय परेशान करने वाला है। हाँ जी, शत्रुओं का निर्माण करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। और पॉलिटिक्स हो सकती है, आप जब जहां काम करते हैं वहां पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, हाँ, तो ये एक बड़ी बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि किसी पर भी विश्वास ना करें, अति विश्वास तो बिल्कुल भी ना करें, अंधविश्वास तो जिंदगी में नहीं करना चाहिए, किसी को कोई राशि हो कुछ हो, अंधविश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अति विश्वास और क्या विश्वास करने का भी मेष राशि वालों के लिए समय नहीं है, मेरी इस बात का ध्यान रखना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, मेहनत हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि यार वो चीज हमें नहीं मिल रही जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा ना ये संघर्ष वाला पीरियड मुझे लगता है कि लग सकता है, तनाव, मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे,
है ना, ऐसी स्थितियां हो सकती है। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में धन आय की बात करें तो आय बनी रहेगी, नौकरी छूटने जैसे कोई योग नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ स्थितियां बन जाए जहां मतभेद आर्ग्यूमेंट और डर बना रहे मन में, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो इस बात का जरा आप जो है वो ध्यान रखें और सोच समझ कर कदम उठाएं। मैं तो आपसे यही कहूंगा। एक मेष राशि की बात है, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया देखो, आपके लिए ना दो बातें कहूंगा। एक बात तो ये कि भाग दौड़ बनेगी, मेहनत बनेगी, हार्ड वर्क बनेगा, वर्किंग लोड वर्किंग प्रेशर ज्यादा बनेगा, एक बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये कि जो मेहनत करेंगे, जो हार्ड वर्क करेंगे, जो 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 थोड़े से परेशान भी होंगे, तो उस परेशानी में आपको लाभ भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत का, आपकी परेशानी का, आपके हार्ड वर्क का, आपके स्ट्रगल का, आपके प्रेशर का, आपके वर्किंग लोड का आपको लाभ मिल जाएगा। आपके आपका भाग्य आपका साथ दे देगा। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे कहने का मतलब, मेरा मतलब यह है कि 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये पीरियड है। इस पीरियड को हाफ, फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो ये आपको परेशान करेगा, सेकेंड हाफ में देखेंगे तो ये आपको देगा, पॉजिटिविटी देगा। तो ये तो अच्छी बात है। शुरू शुरू में क्या देखो क्या होता है ना, किसी को भी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। बिना मेहनत की चीजें यदि हमको आसानी से मिल जाए ना, तो हम सभी जो हैं उसके लिए भी बड़े तत्पर रहेंगे कि ठीक है यार, अच्छी बात है, चाहने से चीज मिल गई, मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। तो मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन हाँ कभी कभी ये होता है कि हम मेहनत करते हैं और हमको लगता है कि यार वो चीज नहीं मिल रही, और फिर एंड ऑफ द डे वो चीज मिली। दिन भर मेहनत की, शाम तक मेहनत की, हमें नहीं मिली, शाम में मिल गई। अब शाम में मेहनत छोड़ देते तो लगातार करते रहे तो शाम मिली आपको, वही वाली बात है कि आप मेहनत लगातार करिए, हार्डवर्क करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। धन आय इनकम पैसे के दृष्टिकोण से, मतलब कैरियर के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है। मतभेद, हाँ मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद आर्ग्यूमेंट से जरा बचकर रहिए। मैं इतना आपसे वृषभ राशि वालों से कहूंगा। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग है, धन में वृद्धि के योग है, आय में वृद्धि के योग है, पैसों में वृद्धि के योग है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो वहां पर आपको आपकी उन्नति होगी। हाँ देखो, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो सकता है आप जो है वो जॉब स्विच करना चाहें, जॉब स्विच हो जाए, उसमें आपको लाभ मिल जाए। हाँ तो बिल्कुल ऐसे योग हैं आपके लिए, पॉजिटिव योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। आपका ना बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ, मिथुन राशि वालों बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपके ही राशि के स्वामी बुध है और वो कर्क राशि में जा रहे हैं, शत्रु राशि में जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपका अट्रैक्शन और बढ़ने वाला है। अट्रैक्शन बढ़ने वाला मतलब आप कुछ बोलें, कुछ बताएं, कुछ जताएं और उसको माना जाए, ऐसे मुझे पॉजिटिव योग आपके साथ आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है यहाँ पर मिथुन राशि के लिए। ये समय आपको नए रिश्तेदार भी बनाएगा, नए लोगों से जुड़ाएगा, नए लोग बनाएगा। और मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूं, मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूं कि आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे इस समय। चाहे आप जो भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, प्रोफेशनल हो, आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव। ये समय आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव है, भले ही बुध महाराज शत्रु राशि में जा रहे हैं तो भी। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बात बताओ तो भाई देखो, इसी राशि में आ रहे हैं बुध महाराज, इसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं बुध महाराज, कर्क राशि में ही गोचर करेंगे, तो स्थानांतरण के योग बनाएंगे। एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, यात्रा करना, या फिर स्थानांतरण आपका हो, ऐसे योग बनाएंगे। अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी लग सकती है, इंस्टेबिलिटी मतलब कि आपको लगे कि यार ये नौकरी में रहूं ना रहूं, स्विच कर लूं, ये कोचिंग में रहूं ना रहूं, कोचिंग स्विच कर लूं, कॉलेज सही है कि नहीं सही है, प्रोफेशनल
प्रमोशन होगा नहीं, मतलब इस प्रकार की बातें जो आपको थोड़ा स्टेबल ना होने दे ऐसी स्थितियों में, ये आपको ला करके खड़ा कर सकती है। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चले भाई, आप नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, आप स्टेबल नहीं है, आपका स्थानांतरण हो गया, आपने नौकरी स्विच कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा आपका जो है, आय जो है, आपकी इनकम जो है आपकी, वो खराब हो जाएगी, अब आपको नहीं मिलेगी या खत्म हो जाएगी या बीच में कहीं अटक जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा कोई नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकली पॉजिटिव होगा। हाँ, तो ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। लेकिन हाँ, मेंटली आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ठीक है, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा हो, खर्चों पर ध्यान दें, खर्चे आपके ज्यादा हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। खर्चों के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बात जरूर है। लेकिन अच्छा, जब मैं खर्चों की बात करता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी ना किए जाए। शेयर मार्केट में, भूमि में, कहीं आप पैसा लगा रहे हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आप कम से कम ना करें। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं या रिस्की निवेश कुछ करना चाहते हैं तो अभी ये वक्त उधर अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होंगे, प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, आपकी तारीफ हो, नाम हो, सम्मान हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। ठीक है, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। आप यदि नौकरी करते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, नौकरी करते हैं प्रमोशन हो सकता है, नौकरी करते हैं स्विच करना चाहते हैं स्विच हो सकती है नौकरी, स्थानांतरण का मतलब था स्विच हो सकती है यदि करना चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव बात आपके लिए निकल करके आती है। और उन्नति उन्नति के तो योग हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो ये तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। मैं आपसे यहाँ पर ये भी कहूंगा कि पारिवारिक तौर पर यदि कहीं प्रॉब्लम्स चल रही थी, यदि परेशानियां चल रही थी, तो वो भी यहाँ पर खत्म होगी। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका हो, ऐसे भी योग बनते हुए नजर मुझे आपके लिए आते हैं। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। ठीक है, तो लाभ का समय कन्या राशि वालों के लिए समय लाभ का है, आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है और कुछ दिलवाने वाला है, पॉजिटिव समय है। इस समय मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है, हाँ, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और बढ़ने के योग है, सफलता और सफलता आपको मिले ऐसे योग है। हाँ, पॉजिटिव ये वक्त जो है बिल्कुल पॉजिटिव मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी का मतलब क्या, यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे अंक आएंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन होगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी लगना चाहते हैं लग गई, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो मतलब आपकी उन्नति हुई, तो पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है। धन में वृद्धि तुला राशि वालों के लिए ना, धन में वृद्धि के योग भी बहुत अच्छे इस बार बुध देवता की वजह से, बुध देवता के इस गोचर की वजह से मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो धन में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी और ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे और ज्यादा चीजों को और ज्यादा पॉजिटिविटी को आप अचीव करेंगे, ये एक अच्छी बात है। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सीधी सी बात। मेहनत मेहनत देखो, मैं कभी भी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, बिल्कुल सही बात है, मैं भाग्य बताता हूं, लेकिन भाग्यवादी नजरिया बना लो, मैं ये कभी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जब आप भाग्यवादी नजरिया बना लेते हो तो फिर आप मेहनत करना बंद कर देते हो। भैया, बिना मेहनत किए आपके योग बन रहे हैं, मैंने कह दिया आपके योग बन रहे हैं, अब योग बन रहे हैं तो आपने उस योग के लिए कर्म ही नहीं किया तो वो काम कैसे सक्सेस होगा? तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी, मेहनत कीजिए। अच्छा, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा भाई, आपको ना प्रैक्टिकली समय अच्छा लगेगा। वृश्चिक राशि वालों को प्रैक्टिकली
ये समय अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, आगे बढ़ाने वाला लगेगा, भाग्य में वृद्धि करवाने वाला लगेगा, धन में वृद्धि करवाने वाला लगेगा। लेकिन मेंटली ये समय चिंता देने वाला लगेगा, तनाव देने वाला लगेगा, मेंटली आपको परेशान करने वाला लगेगा। तो मेरा कहना यह है, आप यदि नौकरी करते नौकरी लग जाए, आप यदि नौकरी करते प्रमोशन चाहते प्रमोशन हो जाए, आप यदि स्थानांतरण चाहते स्थानांतरण हो जाए, भाग्य में धन चाहते धन आपकी वृद्धि हो जाए, तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो गया आप ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा हो गया आप ऐसा बुरा ना हो जाए, तो इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं आप जो है चिंतित रहें। ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ आपके लिए बनती हुई नजर आती है, ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों से कहूंगा कि आपकी वाणी को ना भैया आप जो बोलेंगे ना, आप जो बताएंगे, जो जताएंगे, सोच समझ कर बोलिएगा, सोच समझ कर, क्योंकि आपकी बातों को आपकी वाणी को गलत लिया जाएगा और मतभेद आर्ग्यूमेंट्स फिर हो सकते हैं या फिर आपके शत्रु बन सकते हैं। मेरी इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, चिंता तनाव की स्थिति मुझे आपके साथ यहां पर बनती हुई नजर आती है। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आय इनकम पैसे धन के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, तो उसकी चिंता करने की यहां पर बात बिल्कुल भी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लग सकते हैं, स्विच करना चाहते हैं स्विच, नौकरी स्विच भी हो सकती है आपकी। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपका अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्रैक्टिकली भाग्य साथ देगा। लेकिन या तो ईगो में या घमंड में या गुस्से में, या देखो कई बार ये भी होता है कि हम ठीक है ईगो में नहीं है, गुस्से में नहीं, घमंड में नहीं है, लेकिन किसी के भले के लिए हम कुछ ऐसी बात बोल गए जो कि कटु लग रही है उसको, तो अपनों को तो बोल सकते, आपका बच्चा है या आपके भाई बहन है तो ठीक है, आपको लगता है ये अपने हैं तो आप लोग को तो बोल सकते हैं कड़वी लग गई, चलो ठीक है। लेकिन दूसरों को, दूसरे तीसरे हैं और उनको आप कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने गलत ली, तो भैया इस बात का ध्यान रखिए, फ्री में किसी को भी एडवाइस नहीं देना इस समय, ये मेरी बात का ध्यान रखना। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना आपके पार्टनर से लाभ मिलेगा, आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, उनसे आपको यहां पर इस समय लाभ मिले, ऐसे योग मुझे दिखते हैं, पार्टनर से लाभ के योग। सलाह ले, जब मैं पार्टनर से लाभ कहता हूं ना, तो मैं ये कहता हूं कि सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए आपको काम नहीं करना है, सलाह लेकर के ही आपको काम करना है, ये बात को जरूर ध्यान रखिए। हालांकि आय इनकम धन के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का, भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिजिकली कहीं ना कहीं आप डावाडोल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आप रखें। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लग सकते हैं, व्यवसाय करना शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो धन आय इनकम परिवार पारिवारिक कंडीशंस प्रेम लव ये सब आपका अच्छा रहेगा, सहयोग मिलना सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो मेरी इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य सही हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, एक बात और, कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपका ना डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब गोल्डन पीरियड जैसा है, इस समय का फायदा उठाइए, बैठना नहीं है, मेहनत कीजिए, सोचिए, प्लान बनाइए, योजना बनाइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए, आपको चलते रहना है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहना है, मेहनत करना है, आप जो भी प्लान करेंगे ना, जो भी योजना बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको, आप जो भी किसी को सलाह देंगे वो सलाह उसको लग जाएगी। तो मेरा कहना आपसे यहां पर मीन राशि वालों से यह बनता है कि आप बैठिए मत, आप लग जाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, और प्लानिंग कीजिए। अच्छा, प्लानिंग कीजिए तो सिर्फ कागजों पे ही मत कीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, उसको जमीन पर भी उतारिए,
जो सोच लंबे समय से कुछ सोच रहे हैं उस सोच को जमीन पर उतारिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल। बुध महाराज जो शत्रु राशि में जा रहे हैं तो किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा प्रभाव लेकर के आए हैं, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई और बताई। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।